ओ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यस फॉर यू टेक में। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे एंड गाइस आगे भी बढ़िया है ना। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाले कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एंड बताऊंगा भी। सो गाइस चलिए अभी आपको दिखा देते हैं कि अपने कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड कैसे कैसे सब कुछ सपोर्ट करता है। सो गाइस अभी आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मैंने कस्टम रोम इंस्टॉल किया हुआ है वो पिक्सल एक्सटेंडेड का कस्टम रोम है जो कि ऑफिशियली कस्टम रोम है। इसमें कोई आपको बग्स देखने को नहीं मिलता है एंड गाइज अगर बाय चांस कोई बग्स आ भी जाता है तो आपको अगले अपडेट में फिक्स कर दिया जाता है एंड गाइज आपको महीने महीने पर इस पिक्सल एक्सटेंडेड कस्टम रोम में आपको महीने महीने पर अपडेट दिए जाते हैं एंड हर अपडेट में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने कस्टम रोम यूज़ किया है उस कस्टम रोम का नाम है पिक्सल एक्सटेंडेड जो कि बिल्कुल सही है एंड इसमें बग्स तो मैंने कह दिया कि नाव के बराबर है एंड बाय चांस कोई बग्स आ भी जाता है तो उसका पिछले अपडेट में फिक्स कर दिया जाता है। सो गाइज यहाँ पर अभी आप लोग देख लो कि मेरा फ़ोन कितना स्मूथली एंड कितना फ्रीली चल रहा है। यहाँ पर गाइज किसी किसी कस्टम रोम में ऐसा होता है कि वहाँ मतलब 48 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट नहीं करता है, बट इस कस्टम रोम में ऐसा है कि आपको 48 मेगापिक्सल भी कैमरा सपोर्ट करता है एंड इसमें मतलब बैंकिंग अगर कुछ आप करते हो तो वो भी आपका बिल्कुल सही से हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। सो गाइज परफॉर्मेंस की, तो गाइज यहाँ पर आपको जब ये कस्टम रोम इंस्टॉल करोगे तो आपका सब कुछ मतलब आपका बैटरी बैकअप मिनिमम 30% इंक्रीज कर दिया जाता है एंड ये कस्टम रोम बिल्कुल है एंड ये कस्टम रोम इंस्टॉल करने की दो शर्त होती है। फर्स्ट तो ये आपके फ़ोन में बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, सेकंड तो ये आपका कस्टम रिकवरी भी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में बूट लोडर या कस्टम रिकवरी इंस्टॉल या अनलॉक नहीं है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। सो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन बिल्कुल स्मूथली बैटरी बैकअप सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाता है एंड गाइज यहाँ पर अभी चलिए आपको बता देते हैं कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर गाइज आप लोग हमारा वाला कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहते हो आप तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कस्टम रोम का लिंक है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लो उसे एंड चलिए अभी आपको दिखा देते हैं कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं। एंड ये पिक्सल एक्सटेंडेड का कस्टम रोम है जो कि एंड्रॉयड 11 वर्जन पर वर्क करता है एंड तो चलिए गाइज अभी आपको बता देते हैं कि ये कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड चलिए गाइज अभी आपको दिखा देते हैं कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड हाँ गाइज अगर आप कस्टम रोम इंस्टॉल करने जा रहे हो तो आपका बैटरी मिनिमम 50 से ओवर होना चाहिए क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। सो गाइज जब यहाँ पर चलो अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं एंड स्विच ऑफ कर दिया एंड स्विच ऑफ, अब इसको ऑन करने के लिए हमको रिकवरी मोड में डालना पड़ेगा तो ये मतलब इस स्विच ऑफ को इस तरीके से ऑन करना है, आपको वॉल्यूम अप एंड पावर की को दोनों एक साथ को होल्ड करना पड़ेगा एंड होल्ड करने के बाद आपको कुछ देर तक ऐसे दबाए रखना है एंड जब ये रिकवरी मोड में चला जाए तो आपको हाथ हटाने के बाद यहाँ जो ये मेरा रिकवरी मोड है वो पिच ब्लैक का है। वैसे तो तीन रिकवरी मोड होते हैं बट मैंने पिच ब्लैक का रिकवरी मोड लिया एंड ये जब रिकवरी मोड में चला जाए तो आप पे अगर आपका पासवर्ड मांगे तो आपका जो स्क्रीन लॉक है वही आपको इंटर करना है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैं रिकवरी मोड में जा चुका हूँ एंड रिकवरी मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा एंड यहाँ पर कुछ वेट करना पड़ेगा एंड ये जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपल से आपको वाइप पे क्लिक करना है एंड वाइप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको सबसे पहले फिर आपको एडवांस पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एडवांस पे क्लिक कर चुका हूँ एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है डेलविक एंड सिस्टम कैच डाटा एंड वेंडर, ये सारे लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्वाइप अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्वाइप अप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, कुछ टाइम लगेगा एंड यहाँ पर थोड़ा कुछ आपको वेट कर लेना है एंड वेट करने के बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऊपर लिख के आ जाएगा सक्सेसफुल लिख के एंड यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा भी सक्सेसफुल हो चुका है एंड सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल से आ जाना बैक एंड पूरा फुल बैक आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक करना है यहाँ पर इंस्टॉल पे जैसे क्लिक कर मतलब यहाँ पर जो मैंने कस्टम रोम इंस्टॉल किया तो वो इंटरनल मेमोरी में आ जाएगा एंड यहाँ पर आपको नीचे कस्टम रोम दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पर मैं अभी सिंपल से करता हूँ क्लिक एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पर आके स्वाइप अप कर लेना है एंड स्वाइप अप करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ टाइम लगेगा एंड मिनिमम 10 से 15 मिनट आपके यहाँ पर लग सकते हैं एंड यहाँ पर सिंपल से आपको कर लेना वेट। जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपल से आपके ऊपर लिख के आ जाएगा सक्सेसफुल, जैसे कि यहाँ पर मेरा भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपके लिख के आ चुका है सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल लिख के आने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर रिबूट पर, नहीं सॉरी बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर पूरा फुल टू फुल बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको वाइप पर फिक्स से जाना है, वाइप पर जाने के बाद आपको फॉर्मेट डाटा पर जाना है, यहाँ पर सिंपल से टाइप कर देना है यस एंड यहाँ पर यस पे टाइप करने के बाद आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो फिर भी
यहाँ पे भी आपको कुछ वेट कर लेना है थोड़ी देर, एंड जैसे ये भी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ऊपर सिंपल सा लिख के आ जाएगा वहाँ पे भी सक्सेस, नहीं यहाँ पर फिर आ जाएगा आपका रिबूट सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपल से आपको रिबूट सिस्टम पे क्लिक करना है। जैसे आप रिबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे तो आपका कस्टम होम आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। तो फाइनली अब यहाँ से मेरी भी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते कैसे मेरा फ़ोन इंस्टॉल मतलब ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो कि मैं ये गूगल मतलब बताया था मैंने आपको ये पिक्सल एक्सटेंडेड का कस्टम रोम है। तो यहाँ पर देख लो मेरा इंस्टॉल हो चुका है एंड ये बस मेरा फ़ोन ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, अगर हाँ मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना यार।